गाइस इट्स मी आयुधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं लेजिट 5 मंथ्स के बाद एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और आज का वीडियो सच में बहुत स्पेशल होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं है, और आंसर्स होंगे भी तो जानने के एफर्ट्स कौन डालेगा यार। अंधविश्वास के बारे में सुना है कभी? नहीं। अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा, नॉलेज की कमी से लोग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू गूगल इंडिया इज द मोस्ट सुपरस्टिशियस कंट्री इन द वर्ल्ड। वेट अ मिनट, आई होप सुंदर पिचाई ने गूगल ऑफिस में राइट पैर से एंटर किया होगा, वरना भैया कोई अनर्थ ना हो जाए। ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन। Here I present superstitions all around the world. और हाँ, इस वीडियो में मैंने सिर्फ हाई लिटरेसी रेट की कंट्रीज ही मेंशन की है, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव कि नॉलेज और सुपरस्टिशंस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं आता। रशिया हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ 99.73%, विच इज़ क्वाइट हाई, और रशिया में सुपरस्टिशन है कि हम घर में विसल नहीं कर सकते। इफ़ यू विसल इन द हाउस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो सच में ये बहुत सीरियसली लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि घर में सीटी बजाने से पैसे कैसे कम हो जाएंगे? अगर सीटी बजाना इज़ दी ओनली थिंग यू डू इन द होल डे तो शायद हो सकता है। नॉर्वे जिसका लिटरेसी रेट 99% है, वहाँ मानते हैं कि जब सूरज सर पे हो, मतलब व्हेन द सन इज राइजिंग, हमको सीटी नहीं बजानी चाहिए, वरना बारिश शुरू हो जाती है। दो नॉर्वे रिसीव्स 500 to 3000 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर, सीटी बजाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। आई वंडर वहाँ के हवालदार और टीचर्स क्या करते होंगे, स्पेशली पीटी टीचर्स। एशिया में 13th नंबर लकी मानते हैं, वेर एज 4 and 9 इज कंसिडर्ड अनलकी, क्योंकि चाइनीज में 13 साउंड लाइक ग्रोथ एंड 4 and 9 साउंड लाइक डेथ एंड टॉर्चर। नॉर्थ अमेरिका की लिटरेसी रेट 99% है, पर अंधविश्वास वहाँ भी होता है। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी इंसान के विश्वास को बदल नहीं सकती है, मैनिपुलेट जरूर कर सकती है, मगर मानना या ना मानना ये हम पे डिपेंड करता है। अमेरिका में सीढ़ी के नीचे से जाना अशुभ माना जाता है। अगर लॉजिकली सोचे तो कोई गधा अपना सर नहीं फुड़वाना चाहेगा, क्योंकि ऊपर से कुछ गिर सकता है, पर नहीं, यहाँ का लॉजिक कुछ और है। एक्चुअली ये बिलीव इजिप्ट से ऑरिजिनेट हुआ था। जब सीढ़ी दीवार के सपोर्ट से खड़ी होती है तो इट क्रिएट्स अ सिमेट्री ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि इजिप्ट में काफ़ी पवित्र माना जाता है, एंड इंटरफियरिंग इन द ट्राइंगल इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द गॉड। चाइना में जिस 13 को लकी मानते हैं, जापान में उसी 13 से लोग डरते हैं। बिल्डिंग्स में 13 फ्लोर नहीं होता, एयरप्लेन्स में 13 सीट नहीं होती। याद है 2012 में जब एक हॉन्टेड मूवी रिलीज हुई थी 13th भी, मेरा तब मैं शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरा रोल नंबर भी 13 था, मेरा डिवीजन भी था। भगवान कसम, ऐसा लगता था शैतान की आखिरी औलाद मैं ही हूँ। मूविंग ऑन, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ब्राजील में ऐसा मानते हैं कि अगर बिन बुलाए मेहमानों को भगाना हो तो दरवाजे के पीछे झाड़ू रख दो, ऐसा करने से वो अपने आप चले जाएंगे। पर एक मिनट, वो इंसान है यार, कॉकरोच नहीं जो झाड़ू दिखा के भाग जाएंगे। हाँ, अगर आप उनको काम करने बोल रहे हो तो शायद जा सकते हैं, पर दरवाजे के पीछे रखने से आई एम नॉट इनटू इट। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आम खाने के बाद दूध मत पियो वरना मर जाओगे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? फिजी की लिटरेसी रेट 91.6% है, पर वहाँ लोग मानते हैं कि शाम होने के बाद वुमेन शुड नॉट शावर, या उनको छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शाम को हॉन्टेड स्पिरिट्स बाहर घूमते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है। थर्ड चॉइस। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं नए नए फॉर्मेट्स टेस्ट कर रही हूँ फॉर माई कॉन्टेंट, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग होगा, ऐसे रैंट वीडियो नहीं होगा, मे बी गेम्स होंगे, मे बी कुछ और, मे बी फैशन, मे बी सम फूड। So stay tuned and more power to you. Bye.